देवरिया जनपद का सलेमपुर विधानसभा सीट सुरक्षित है, जिस पर सपा बसपा भाजपा और कांग्रेस पार्टी दमदार प्रत्याशियों को उतारने में लगी है। पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं सलेमपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दुलारी देवी पर जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताकर अफवाह फैलाई जा रही है, जिसे दुलारी देवी के प्रतिनिधि जयप्रकाश पाल ने खंडित करते हुए कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये विपक्षी दलों ने अफवाह फैलाया है। ये हमारे जनसंपर्क और कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से विपक्षी दल हताश है, जिसे लेकर यह अफवाह फैलाई गई है। जयप्रकाश पाल ने कहा कि सलेमपुर विधानसभा से जीतकर पार्टी की दी गई जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और सलेमपुर को विकास कर जिला बनाने का काम करेंगे। माननीय प्रियंका जी के बोल, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ पर काम करेंगे। तहसील से बना है, सत्यापन हो चुका है, परिजन ने प्रधान है, सरकारी ये अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग। सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं, हमारे में कोई दिक्कत नहीं, सरकार का सर्टिफिकेट है, सरकार जारी करती है तो शासनादेश के हिसाब से करती है, हर चीज़ चेक करके करती है। लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। क्या एजेंडे रहेंगे चुनाव में आपके? एजेंडा हमारी जो लोकल मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क। अगर जनता आपको यहाँ से विधायक चुनेगी तो आप यहाँ के लिए क्या करेंगे और क्या आप विकास करेंगे यहाँ के लिए? जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है आज की तारीख में, जैसे मैंने बताया था, पहले भी कहा था, उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है यहाँ पे, महिला डिग्री कॉलेज जो है नहीं है ना, जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएँ हैं, जिसे यहाँ जिला बनाओ अभियान आज 15 सालों से लोग मांग रहे हैं यहाँ की। हमारी सरकार बनती है, अगर हम विधायक बनते हैं तो यहाँ जिला बनाएंगे हम लोग। अब आपकी पत्नी एक महिला है, और महिलाओं के सम्मान में क्या रहे हैं? महिलाओं के सम्मान में महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उत्पीड़न नहीं होगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किया जाएगा। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या इस पर कितना आप खड़े उतरेंगे? 100% खड़े उतरेंगे। हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का जो ये है दिशा निर्देश, एकदम खड़ा उतरेंगे। महिलाओं के सम्मान में ही तो हम लोग हैं।